स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बूगल बॉलीवुड। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर ने हाल ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने 20 साल कंप्लीट किए हैं। प्रियंका चोपड़ा ओबामा के साथ अब एक और इवेंट में शामिल हो रहे जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें प्रियंका ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की है। बहुत जल्द ही प्रियंका महिला नेताओं और दुनिया की खास सेलिब्रिटीज के साथ वर्चुअल एक्टिविटीज गर्ल अप लीडरशिप समिट 2020 में शिरकत करेंगी। इस बेहद खास इवेंट में प्रियंका चोपड़ा के साथ मेगन मार्कन और मिशेल ओबामा जैसी नामी हस्तियां भी शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने फैंस के साथ पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नो मैटर देयर बैकग्राउंड गर्ल्स हैव टू पावर टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स देयर कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। जॉइन मी फॉर द वर्चुअल 2020 एट द रेट गर्ल अप लीडरशिप समिट July 13-15 विद सम ऑफ द टॉप लीडर। गेट योर टिकट girlup.organization/summit-girlsleader20। तो सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा की ये पोस्ट खूब वायरल होने लगी और फैंस ने प्रियंका को शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। इसी के साथ ही प्रियंका के फैंस ने उनके भविष्य में और तरक्की की शुभकामनाएं भी दी। आपको बता दें कि लोगों ने कमेंट्स में कहा, प्रियंका हमें आप पर गर्व है, आपने केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। प्रियंका से जुड़ी एक और बात बता दें कि कुछ दिनों पहले उन्होंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में डिजिटल स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा व साथ ही रेड कार्पेट भी वर्चुअल होगा। पूरी दुनिया में कोरोना का प्रभाव काफी पड़ा हुआ है, इस कहर के कारण आपको बता दें कि इस फेस्टिवल को 10 सितंबर से 19 सितंबर तक चलने की खबरें सामने आ रही। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स साइन की है। प्रियंका ने केवल बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। आपको प्रियंका की कौन सी फिल्म है पसंद, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह बॉलीवुड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहिए गूगल बॉलीवुड के साथ।